अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर से होंगे। आज मैं रेसिपी बना रही हूँ, देखो तुम्हें लास्ट में मैं बोलती हूँ इसके रेसिपी का नाम। देखो आधा किलो चिकन लेको हूँ, नमक डाल रही हूँ मैरिनेट करने, एक दो टीस्पून होता ये दही लेको हूँ, इसे अदरक लहसुन पीस को नहीं लेते मैं तरतरा पीस को हूँ, हल्दी और टी स्पून होता हल्दी, ये अच्छा मिक्स करके मैरिनेट को रख डालेंगे। फिर दूसरी रेसिपी बताती हूँ तुमने, इसके साथ तो कॉइन परोठा बना रही हो, परोठे के वास्ते देखो एक अंडा ले रही हूँ, आधा टी स्पून से भी ज़रा नमक और दो टी स्पून शक्कर, देखो ये स्पून में दो टी स्पून शक्कर और दूध, दूध आपको एक ज़रा एक 50 ग्राम होता दूध, देखो इसमें था सब होता है पूरा दादा क्या अच्छा मिक्स। देखो अंडा शक्कर नमक अच्छा मिक्स करको हूँ और दूध भी मिक्स करको हूँ इसमें। देखो एक पौना गिलास पानी लेको हूँ, ये गिलास में तुम्हें आटा कितना कलाती वो हिसाब से पानी ले लियो, हो ना तो फिर ज़रा दाल ले सकती नहीं क्या पानी। देखो हो ना तो तुम्हें अब जरा पानी डाल लियो, कम होगा तो पानी। मैं चुपके एक आधा किलो आटा कला रही हूँ सर, ज़्यादा कलाई तो दो अंडे डाल लियो, ऐसा उसके ऊपर डिपेंड होता है। कॉइन पराठा, ये पराठा बहुत अच्छा रहता है, जरा जरा पानी डाल को भी कला ले सकते इसके साथ, जरा पानी डाल लियो, जरा बहुत घट्टों को है, जरा मुलायम आना, मामूली तुम्हें रोटी का आटा कलाती ना उससे एक जरा मुलायम। देखो जरा तेल ले को हूँ, तेल डाल के जरा गुन लेती मैं, एक 10-15 लाजर रेस्ट में रखती हूँ ये, जब तक का चिकन का बताती। पहले भी प्याज तल को थी ना वो तेल ले, उसमें एक मीडियम साइज की एक बड़ी वाली प्याज तल ले रही हूँ मैं, अदरक एक 6-7, लहसुन के कल्याण दो भी अच्छा दरदरा कूट लियो नहीं तो पीस लियो, बहुत बारीक पेस्ट नहीं करना इसे। तेल जो मैं ये तल को थी प्याज तल को थी वो तेल जरा रखो हूँ, एक जरा कड़ी पत्ते, मिर्ची पाउडर 1.5 टीस्पून डालियो, धनिया पाउडर 2 टीस्पून डालियो, हल्दी एक जरा, ऑलरेडी मैं डाल को हूँ, नमक भी जरा डाल लेती हूँ, जरा पानी डाल को अच्छा भून लेंगे ये, अच्छा मैं भून ली हूँ। इसमें पंडू डाल को, पंडू एक जरा खुद छोड़ दे जब तक जरा भून लेती, टमाटो मीडियम साइज का एक टमाटो ली थी जरा बड़ा वाला, देखो अच्छा मैं शो करें, अब इसमें चिकन डालूंगी, चिकन में दही में नमक में सब पानी निकलता है, चुप के जरा ये धोकर जरा डाल रही हूँ, पानी नहीं डाल रही इसमें, अच्छा ये करेंगे अच्छा भून लेंगे इसमें, जो भूनते भूनते अपने आप उन्हें पक जाता, फ्लेम को मीडियम रखो, ज़्यादा हाई भी नहीं स्लो भी नहीं। आधा टीस्पून सौंफ, सौंफ का पाउडर है तो तुम्हें आधा टीस्पून पाउडर डाल लियो, मेरे पास पाउडर नहीं है अब, उसे सौंफ जरा अच्छा इसमें कूट लेती हूँ, कूट लेती हूँ तो जरा बारीकी कूट लूँ कितना होता होता, अभी जरा पानी है इसमें, पानी पूरा सोख दे, मैं अभी जरा मसाले डालती हूँ, आधा टीस्पून से भी कम गरम मसाला पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर आधा टीस्पून, अच्छा मिक्स करेंगे, बहुत का तो बहुत टेस्टी रहता है, ऐसा बनाओ ड्राई चिकन नहीं, देखो अच्छा गुन लियो ऐसा नरम रहना बस इतना। अब इसमें छोटे छोटे बॉल्स बना लेती हूँ, देखो देखो इतने इतने बना लेती हूँ पूरे भी ऐसे, देखो पूरे ऐसे बॉल्स बना लियो, 1, 2, 3, 10, 11 बॉल्स को ही इसके ऊपर जरा तेल डाल लेती हूँ,
ये आपको आधा टीस्पून सौंफ मैं पाउडर बना कर ली थी सही है, तुम्हारे पास पाउडर है तो भी डालो, मैं अब जस्ट बने पाउडर एक जरा करिया पक, एक चार हरे मिर्ची, ये बहुत तेज नहीं है वो क्या बोलते सर फीकी वाली मिर्ची, और ये तल को रखी थी ना वो प्याज, ये एक प्याज बड़ी वाली प्याज, बहुत को तो बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत केरला में दुबई में मतलब सऊदी में सब ऐसा बना को खाते सर, कॉइन परोठा भी ये दो भी। एक पाँच मिनट ऐसा दम होन दे ये सिंपो कर सभी बना ले सकती, अच्छा स्प्रेंड मतलब अच्छा जरा बड़ा बना लियो, बहुत पतला बड़ा बना ये देखो ऐसा दिसना कुरान से सभी कौन तो भी देखते रहते हो स्टेप बाई स्टेप फॉलो करो कैसा बनाए करो बोल को मालूम भी हो जाता और बना भी सकती तुम्हें। देखो ये ऐसा और ये ऐसा, ये आपको देखो ऐसा बारीक देखो सब बनाए नहीं देखो ऐसा पूरे पेड़ है ऐसा बना कर रख लियो फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। सेज बना डाली मैं बारीक ऐसा लपट लगा दो विक्की चेक बना डालती हूँ पांच छो को है ऑलरेडी ऐसा बना ले देखो बस इतना देखो दाल को हूँ नहीं है देरी से मीडियम आंच पर मतलब ज़्यादा हाई भी नहीं कम फ्लेम भी नहीं देखो ऐसा पलटा लियो देरी से तो पूरे ऐसा बना लेती हूँ अब अच्छा कलर आना कम फ्लेम पर कलर आए तक का पका लू देखो ऐसा हो ना ऐसा चेक एक एक बना लेती हूँ मैं देखो एक तवे में तीन या चार कितना होता होता डाल लियो आराम से एक एक करके बनाए तो बहुत टाइम लगता है। केरला में तमिलनाडु में सभी बहुत फेमस है कॉइन परोठा, कॉइन बोलती है अभी क्या की परोठा नाम बोलती है मैं तो कॉइन परोठा नाम रखी हूँ। परोठा कैसा पको है ऐसा देखो मस्त है है देखो परोठा ये जरा हिमेश कर को उन चिकन भी रेडी है ड्राई चिकन फुल का तो फुल टेस्ट ऐसा बनाओ और खाओ बोलते रहो लाइक शेयर क्यों है रेसिपी बना को देख को खा को तुम्हें मुझे क्या कमेंट करो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो कौन तब नए देखते हो तो बेल आइकन क्लिक करो बहुत को तो बहुत टेस्ट है
केरला आप तरफ ये परोटा बनाते सो। कैसी लगी रेसिपी बोलो, कमेंट्स करो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। मैं कैसा बने तुम ना मालूम होता, तुम्हें वैसा बनो। अच्छा, दुआ में याद रखो, अल्लाह हाफिज़।